Hello Future Officers! Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha and I am here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affairs series called To The Point. Zid Se Jeet Tak So today's topic in the To The Point is the sponge cities. बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये न्यूज़ में चाइना की वजह से आया था क्योंकि चाइना में चाइना हैज़ बिन हिट बाय डेवेस्टेटिंग फ्लड्स इन द रीसेंट वीक्स जहाँ पे बहुत सारी डेथ्स और सिटीज uh, जो हैं दे आर इनडेटेड आफ्टर दैट और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज जो है वो देखने को मिला है नो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्ज सिटीज इन इट्सल्फ नाम से आपको पता लग रहा हो होगा जस्ट लाइक अ स्पंज है ना जैसे स्पंज होता है स्पॉन्ज होता है तो वो पानी को जैसे करता है वी टू बिल्ड सिटीज इन दैट मैनर ये डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट uh, के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्बन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर जो 2024 का एग्जाम आने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज राइट नाउ वी नो दैट नॉर्दर्न इंडिया है uh, जो हमारा नॉर्थ इंडिया का रीजन है इट इज हिट बाय फ्लैश फ्लड्स फ्लड वेरियस लैंडस्लाइड्स स्लाइड्स जो हैं वो बैक टू बैक आते जा रहे हैं उसके अंदर स्पॉन्ज सिटीज का जो कॉन्सेप्ट है ये एक सोल्यूशन की तरह उभरेगा क्या है स्पॉन्ज सिटी अगर हम इसको समझना चाहें तो अभी आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नोट्स में लिखना है बस दिमाग में रखिए कि स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली एवरीथिंग दैट कैन बी डन टू एब्जॉर्ब द वाटर है ना वो सारे फैक्टर्स आपको स्पॉन्ज सिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अभी लेट्स बिगिन

इसको एब्जॉर्ब कराने के लिए तो ये जो है आपके इम्प्रूव इट विल इंप्रूव द इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड बायोडावर्सिटी बाय हाउ बाय एब्जॉर्बिंग एंड कैप्चरिंग रेन वाटर ठीक है जी और रेन वाटर कैन इंडीड बी रीपर्पज फॉर इरीगेशन एंड फॉर होम यूज ठीक है जी इट इज अ फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन दिस स्पॉन्ज सिटीज राइट सो so, ये उसका जो है मेजर आपका आंसर बनेगा इट इज अ फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम ऑन एन अर्बन स्केल ठीक है जी एंड बियॉन्ड राइट क्योंकि आपको आप कनेक्ट करोगे इसको धीरे धीरे बढ़ाओगे फिलहाल ये सिटीज तक सीमित रहेगा स्पॉन्ज सिटीज पॉलिसीज आर अ सेट ऑफ नेचर बेस्ड सोल्यूशन एक ये भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्पॉन्ज सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन की तरह देखने वाले हैं दैट यूज नेचुरल लैंडस्केप्स टू कैच स्टोर एंड क्लीन वाटर ठीक है जी तो ये आपकी वाटर शॉर्टेज आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हमारे मेंस की क्लास होती है उसके अंदर मैंने बच्चों को ये भी समझाया था कि स्पॉन्च सिटीज को हम अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के मेंस के आंसर में कैसे लिख सकते हैं जिससे कि हमारा स्कोर मैक्सिमम हो जैसे आप लोगों को पता है कि मेन्स uh, के ऊपर बहुत कट थ्रोट कम्पिटिशन जो है वो चलता है फॉर दैट कोर्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चेक इट आउट इट इज़ दी करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024 ट्वेंटी उस कोर्स के अंदर जो है आपको किसी भी और चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है दैट पर्टिकुलर कोर्स इज इनफ फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ योर करंट अफेयर्स तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इट यूज अ नेचर बेस्ड सोल्यूशन टू बेटर डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड इम्प्रूव ड्रेनेज एंड स्टोरेज इंडिया के अंदर भी जो सिटीज का कॉन्सेप्ट है वो काम में आ रहा है वो उसको अभी इट इज़ इन प्लानिंग फेज इन चेन्नई मुंबई एंड कोची ये एक्चुअली दे आर करंटली स्टडिंग इसका करंट कॉन्टेक्स्ट इंडिया में यहाँ पे भी है एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है ना जो कि है वाटर बॉडी सेंसस ये भी बहुत रिसेंटली ये वाटर बॉडी सेंसस रिलीज हुआ था उसका भी यही पर्पज है कि वी वॉन्ट टू रीजूबिनेट आर लेक्स एंड नेचुरल वाटर स्टोरेज जो हमारी सिटीज के अंदर होती है हम उसको रिजुबिनेट जो है वो करना चाह रहे हैं और उसके लिए हमें पता तो होना चाहिए ना कि वाटर बॉडीज हैं कितनी सो वाटर बॉडी सेंसेस हुआ था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया था अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट और इट इज द फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज रिवीलिंग द क्रूशियल इनसाइट्स इनटू कंट्रीज वाटर रिसोर्सेज क्या वो इनसाइट्स हैं ये वाले वो इनसाइट्स हैं नंबर वन दैट वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर्स वेस्ट बंगाल के अंदर आपके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रेजरवायर्स हैं इट मे बी काउंटर इन बिकॉज वी हैव सिटी ऑफ लेक्स कहीं और है है ना हमें पता है कि फलानी फलानी जगह पे बहुत है माउंटेन्स के अंदर लेक्स बहुत होती है बट वेस्ट बंगाल इज द स्टेट जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज हैं है ना ये थोड़ा ध्यान में रखने वाला है और इसके अंदर भी जो टॉप डिस्ट्रिक्ट है दैट इज साउथ ट्वेंटी परगना है ना जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है सेकेंड हाई जो हाइस्ट नंबर ऑफ टैंक्स हैं दैट इज इन आंध्र प्रदेश ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है तमिलनाडु के अंदर भी है हाईस्ट नंबर ऑफ लेक्स लास्ट वी हैव महाराष्ट्र लीड्स इन दी वाटर कंजर्वेशन स्कीम ठीक है जी लास्ट आपका कॉन्सेप्ट ये है रिपोर्ट हाईलाइट दैट नाइंटी सेवन पॉइंट वन परसेंट ऑफ दॉटर बॉडीज आर इन द रूरल एरियाज तो अगर कहीं पर आपको मेन्स में भी यूज करना है सो दीज आर दी फैक्ट जो आप मेन्स के अंदर भी हैं

This 7-minute to-the-point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things. Number one, weekly classes. Number two, weekly PDFs of current affairs. Number three, weekly tests on current affairs. The link... To join the course is given in the description below, zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.